पोहा शॉर्ट्स बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप पोहा, मोटा वाला है जो कि मैंने चलते पानी में अच्छे से धो लिया था, और इसको थोड़ा सा मैश करूंगी अभी मैं, और मैश करने के बाद ही बाकी चीज़ें इसमें डलेंगी और बनेगा। और हमें इसके अलावा पोहे के लिए, तड़के के लिए चाहिए 1 टेबलस्पून उड़द दाल, 1 टेबलस्पून चना दाल, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और कड़ी पत्ता, 2 स्प्रिक्स। अब बाकी कड़क पत्ता आप पूछेंगे इतना सारा क्यों रखा है, तो हम चटनी भी बना रहे हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए धनिया 1/2 कप, 1 प्याज मीडियम, 5-6 गार्लिक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसमें काट लिया है। यहाँ पर मेरे पास 1 हरी मिर्च है जो मैं इसमें डाल दूँगी। ये मेरे पास थोड़ा हेल्दी सा हम चटनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तुलसी और नियाजबो के पत्ते हैं जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये बाकी के कड़ी पत्ते खाली 2 स्प्रिग्स रख दूँगी तड़के के लिए, और बाकी का कड़ी पत्ता भी मैं चटनी में ही डालूँगी, और नींबू डलेगा चटनी में। इसके अलावा नमक और काली मिर्च, यहाँ पर मेरे पास काली मिर्च है, यहाँ नमक है। अच्छा, ये पोहा शॉर्ट्स के लिए, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ है, 2 हरी मिर्चें हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है बारीक कटा हुआ, जो कि जब मैं इसको मैश कर लूँगी पोहे को उसके बबाद उसमें डालूँगी। यहाँ पर मेरे पास 3 टेबलस्पून दही है जिसमें से 2 टेबलस्पून जाएगी चटनी में और 1 टेबलस्पून जाएगी पोहे में। ये थोड़ा सा धनिया भी पोहे के लिए रखा है। तो मैं पोहा मैश कर लेती हूँ और चटनी बना लेती हूँ और फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए मैंने इसे मैश किया है, लेकिन एक डो नहीं बनाया है इसका, बस खाली इतना मैश किया है कि देखिए जैसे ये बाइंड होने लगा है। दही मैंने इसमें डाल दी है 1 टेबलस्पून, ये धनिया भी डाल देती हूँ, उसके अलावा प्याज, हरी मिर्च, अदरक, स्वाद अनुसार नमक और अब हम बनाएंगे तड़का जो कि इसी में ही जाएगा। तो तड़के के लिए मैं पैन रख देती हूँ गैस पे। तड़का पैन में मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल और हीट हो गया होगा। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी चना दाल, चना दाल देखिए हल्की हल्की तड़कने लगी, थोड़ा सा कलर चेंज करने लगेगी, तो फिर मैं डालूंगी इसमें मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स भी तड़कने लगे तो अब डाल दूंगी साथ में ही उड़द दाल, सेक कर देंगे थोड़ा सा कम और देखते हैं कलर आया कि नहीं। चना दाल देखिए ब्राउन होने लगी। अब इसमें जाएगी सौंफ और थोड़ा सा दूर होकर जाएगा कड़ी पत्ता। अब गैस कर देंगे बंद। और इसे इस सब में मिला देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसके बॉल्स बनाएंगे मिक्स करके अच्छे से। और फिर इसको आप डीप फ्राई, शेलो फ्राई, एयर फ्राई जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको ठंडा होने की वेट करते हैं। देखिए इसमें मैंने डाली है 1/4 टीस्पून केन पेपर और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब मैं इसको सबको अच्छे से मिक्स एंड मैश करके और इसके बॉल्स बनाती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है और यहाँ पर देखिए बॉल्स भी बन गई हैं कुछ, तो इसको मैं धीरे से स्लाइड कर देती हूँ अंदर। और इसको बहुत जल्दी मत पलटिएगा क्योंकि फटने का डर रहेगा, और बहुत ज़्यादा भी मत डालिएगा। जैसा कि मैंने कहा डीप फ्राई, शेलो फ्राई, एयर फ्राई आप कुछ भी कर सकते हैं, और हम तो ज़्यादातर एयर फ्राई ही पसंद करते हैं,
बट आज हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करते हैं, तो हमने इसको डीप फ्राई कर दिया है। चलिए ये बनता है तो फिर आपको निकाल के दिखाते हैं। एक साइड से देखिए क्या मस्त क्रिस्पी ब्राउन से हो गए, और अब दूसरे साइड भी होने का वेट करते हैं। लीजिए हमारे क्रिस्पी पोहा शॉर्ट्स रेडी हैं, तो आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा हमें, और लाइक कीजिए वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।